गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड ऑल ऑफ यू हैव ड्रॉन दिस पेज इन योर नोटबुक. सबने ये ड्रॉ कर लिया है. व्हाट वाज दैट? इट वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू डू टुडे. ये उसके इंट्रोडक्शन है जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं, एंड दैट इज वर्ब्स. और वो टॉपिक हमारा क्या है? वर्ब्स. वर्ब्स क्या होते हैं? व्हाट आर वर्ब्स? वर्ब, एज आई डिस्कस्ड विद यू, जैसा कि मैंने आपसे लाइव क्लास में डिस्कस किया था, वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स. और यू कैन से एनी वर्क डन इन सेंटेंस. सेंटेंस में जो भी काम हो, दैट इज वर्ब. दैट इज वर्ब. आप इसको रीड आउट कर सकते हैं एंड यू कैन फाइंड आउट कि आपको ये सारे की समरी यही मिलेगी कि सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड जिससे पता लगे क्या काम हो रहा है, जिसको हिंदी में आप क्रिया भी बोलते हैं, दैट इज वर्ब. अब वर्ब की काइंड्स क्या होती हैं? इंट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव और इनकम्प्लीट वर्ब. इंट्रांसिटिव वर्ब, अ वर्ब हूज सेंस इज कम्प्लीट बाय इट्सेल्फ, और अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट. एक ऐसी वर्ब जिसमें आपको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा आई एम ईटिंग, मैं खा रही हूँ. अब क्या खा रही हूँ? फूड खा रही हूँ, दाल खा रही हूँ, आइसक्रीम खा रही हूँ, चॉकलेट खा रही हूँ, क्या खा रही हूँ? ज़रूरत है ना? तो दैट इज ट्रांजिटिव. दैट इज ट्रांजिटिव. लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को यूज करूँ, आई एम स्लीपिंग, तो मैं सो रही हूँ. सिंपल एंड हो गया. यहाँ पे मैं ये तो नहीं बताऊँगी मैं क्या सो रही हूँ, नहीं, कहाँ सो रही हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन मी कि मुझे बताना है या नहीं, कितने बजे सो रही हूँ, ये भी मेरी मर्जी है. बट अगर देखा जाए तो वहाँ सेंटेंस की सेंस कंप्लीट हो जाती है. ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं है, सो दैट इज इंट्रांसिटिव वर्ब. एक और सिंपल वर्ड्स में कहूंगी, व्हाट, हुम का अगर आंसर मुझे चाहिए हो और मुझे ना मिले, तो वो है मेरी ट्रांजिटिव वर्ब. मतलब नहीं मिले मुझे पूरा आंसर, तो वो इनकम्प्लीट वर्ब हो जाती है. ठीक है, देखो कैसे. शैलजा इज स्लीपिंग. व्हाट इज स्लीपिंग? व्हाट या हु हो सकता है. शैलजा सो रही है, मुझे आंसर मिल गया इसका. हुम इज जंपिंग. जंपिंग तो मुझे चाहिए ही नहीं यहाँ पे. हुम वर्ड चाहिए ही नहीं. जहाँ हुम चाहिए होगा, क्वेश्चन का आंसर चाहिए होगा, दैट इज ट्रांजिटिव. जैसे कहूँ बर्ड्स फ्लाई, हु फ्लाई? बर्ड्स. खत्म होगी ये बात यहाँ. पक्षी उड़ते हैं, बस ज़रूरत ही नहीं है आगे मुझे. पक्षी कहाँ उड़ते हैं, कब उड़ते हैं, कुछ ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ का, है ना. अब मैं कहूँ बर्ड्स बिल्ड, पक्षी बनाते हैं. क्या बनाते हैं? खिचड़ी बनाते हैं, दाल बनाते हैं, घोंसला बनाते हैं. यहाँ आ गया ना क्वेश्चन. तो बर्ड्स बिल्ड होगी ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है. बर्ड्स फ्लाई, उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तो वो क्या है? इनट्रांजिटिव वर्ब. थोड़ी सी मुश्किल है, कोई बात नहीं, हम इसको डीप स्टडी करेंगे. जब इस पूरे पेज को आप खुद एक बार रीड आउट करेंगे, तो आप थोड़ा और इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. मैं आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स देख के इसीलिए बता रही हूँ कि आप बुक पढ़ें तो आपको कुछ और चीज़ें भी क्लियर हों. इसे देखो, आई लाइक. व्हाट आई लाइक? क्या पसंद है मुझे? या हूँ, कौन पसंद है मुझे? इसका आंसर चाहिए ना मुझे, ये इनकम्प्लीट ही है. तो क्या आया? ट्रांजिटिव वर्ब. तो कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव. आई लाइक मैंगोज. I like Anu. I like Nitya. Any name, है ना? ठीक है,
फिर भी ट्राई करेंगे, इसको रीड आउट करेंगे, और कोई डाउट आएगा आपको देन आई विल डेफिनेटली सॉल्व आउट दैट, नो नीड टू वरी. और कुछ है, दीज वर्ब्स डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. जैसे दीज आर काउज, आवर स्कूल इज लेट, राजवीर लुक्स प्लीज्ड, राजवीर खुश लग रहा है. खुश तो लग रहा है वो, पर किस बात पे खुश लग रहा है ये तो नहीं पता ना मुझे, है ना. तो ये क्या है, इनकम्प्लीट. ठीक है, अवर टीचर सीम्ड एंग्री. किस चीज़ के लिए एंग्री है, मतलब ट्रांजिटिव का थोड़ा सा हिस्सा लिखा हो. जब ट्रांजिटिव वाले क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिले, अब ये एक्सरसाइज है हमारे पास, वी कैन गो फॉर इट. माई फादर वेंट टू टेम्पल, मेरे फादर टेम्पल जाते हैं. कहाँ जाते हैं, टेम्पल. हो गया मेरा काम कंप्लीट, ट्रांजिटिव मिल गई. हर सॉन्ग वॉज हाईली अप्रिशिएटेड, ट्रांजिटिव. अमिताभ इज अ पॉपुलर एक्टर, ट्रांजिटिव. अवर टीचर इज स्ट्रिक, इनकम्प्लीट. माई फ्रेंड शार्पन्ड माई पेंसिल, ट्रांजिटिव. अवर प्रिंसिपल प्लांटेड अ ट्री टूडे, ट्रांजिटिव. शी रन्स वेरी फास्ट, इनट्रांजिटिव. हार्दिक प्लेज, क्या खेलते हैं नहीं पता ना, तो ये क्या हो गया, इनकम्प्लीट. अवर स्कूल प्यून रैंग द बेल, क्या बजाता है स्कूल प्यून, बेल, तो क्या हो गई, ट्रांजिटिव. राहुल इज अ पुअर कारपेंटर, ट्रांजिटिव. हम सिर्फ दो ही बताएंगे, कौन कौन से, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव. इनकम्प्लीट हमें तब बताना है जब हमारा एक्चुअल में वो चीज़ इनकम्प्लीट हो, तो अदरवाइज इनकम्प्लीट को अवॉइड ही करेंगे. मेन ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव है हमारे लिए. ओके बेटा, और इसके बाद ये जो थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं ये मैं आपको नोटबुक में लिखवाऊंगी. नेक्स्ट वन है, देखो आपको सही वर्ब फिल करनी है ऊपर वाले हेडिंग्स को देखकर. आई डैश माई फ्रेंड टू टी, मैंने क्या किया फ्रेंड को, इसमें से एन्जॉय होता है मज़ा करना, बी ट्रेड होता है धोखा देना, प्रेजेंटेड तोहफा देना, शॉक्ड एकदम अचानक से कुछ कह देना, लाफ्ड हंसना, इनवाइटेड आमंत्रित करना. तो मैंने इनवाइट किया होगा ना मेरे फ्रेंड को टी पे. I invented my friend to tea. They dash at the poor. वो poor पे क्या हुए, Laughed, हंसे ना. Hari was dash after his father's death. Hari अपने पापा की डेथ के बाद क्या हो गया, Shocked, धक्का लगना. Gagan Singh dash the party. Enjoyed. My uncle dash me a gift. मेरे अंकल ने क्या किया मुझे गिफ्ट, Present. The two friends dash each other. दो फ्रेंड्स ने आपस में एक दूसरे को betrayed, धोखा दिया. ओके, नेक्स्ट वन देखो, ये एक एक्टिविटी है. स्टडी सीन लिसन हैव प्ले हेल्प सी. आपको इन सबको यूज़ करना है, कौन सी चीज़ कहाँ फिल होगी वो आपको ट्राई करनी है. ठीक है, अब देखो, वट डू स्टूडेंट्स डू, बच्चे क्या करते हैं, स्टडी है ना. तो वन ये रहा, तो क्या करते हैं, इसमें ना बॉक्सेस सही नहीं दिए हुए, देर आर सम डाउट्स. ये वाला बॉक्स ब्लैंक रह जाएगा बीच में एक, तो आप चाहें तो इसको शेड आउट भी कर सकते हैं कि आपको डाउट ना रहे. ठीक है, आज व्हाट डू स्टूडेंट्स डू, स्टडी. They dash to be happy. Many sheep are dash grazing in field. What is the verb? वो खुश दिख रहे हैं. They seem to be happy. They seem to be happy. Many sheep were seen grazing in the field. कई सारी sheep देखी जा सकती हैं खेत में घास चरते हुए. Grazing होता है घास चरना. What do we do with our eyes? अपनी आईज से हम क्या करते हैं, See.
What do we do with our ears? अपने कानों से क्या करते हैं? Listen. We can dash saucer, we can dash games, and we can dash a musical instrument. What is the verb I use in all these blanks? कौन से use करेंगे? Play. ठीक है. What verb I can use the say that something is mine? कि कुछ मेरा है या किसका है, किस verb से बता सकते हैं? Have, say, has, have, ये बताती हैं. Don't worry, I can dash you to solve this problem. I can help you. Okay? Here your chapter of verb completed. But हम अभी verb को और करेंगे. So, we will do written work in notebook tomorrow. Okay then, bye-bye.